हेलो एंड वेलकम बैक टू निलिस्कार एक्सेसरीज। आज की जो वीडियो होने वाली है वो नई ब्रेजा रिटारा ब्रेजा जो बेस मॉडल होने वाला है हमारी वीडियो में, जो इस गाड़ी में काम किया है वो बाहर से आपको चेकआउट करा देता हूँ क्या काम होने वाला है। जैसे कि आपको आईपॉप डोर गार्ड दिख रहा होगा, ये आईपॉप डोर गार्ड लगाया गया है और ऊपर डोर वाइजर आए गए हैं, देख लीजिए डोर वाइजर आने वाले हैं। और इस साइड में दिखा देता हूँ, आईपॉप छोटा सा आता है, ये देख लीजिए आईपॉप डोर गार्ड होने वाला है और ये होने वाला है इसका डोर वाइजर। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर की साइड, देखते हैं क्या क्या काम हुआ है अंदर की साइड का, चलते हैं। चलिए गाइस अंदर की साइड देखते हैं क्या काम हुआ है। जैसे कि अंदर की साइड ये अभी इधर आर्मरेस्ट है, इसका आर्मरेस्ट लगने आए हैं। देखते हैं दो क्वालिटी इधर है, एक ये क्वालिटी होने वाली है, एक ये नीचे भी होने वाली है, देखते हैं इसको। ये देखिए एक ये होने वाला है, अभी सील ओपन नहीं है, अभी सील ओपन करके देखेंगे तब इसका सीट आउट चेक करते हैं, सीट कवर। ये होने वाला है इसका सीट कवर, जो ब्लैक ब्लैक पीयू के ऊपर ब्लैक स्लाइस से डिजाइनिंग हुई है, देख लीजिए कितना मस्त लग रहा है सीट कवर भी है देखने के बाद। और पूरा चेकआउट करा देता हूँ। ये होने वाला है इसकी सीट कवर का लुक, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने के बाद। जैसे कि लाइनिंग गई हुई है और ये बर्फी है छोटी सी डिजाइन में, बहुत अच्छा दिख रहा है दिखने में, देखिए। और अगला काम होने वाला है इसका फ्लोर मैटिंग का, फ्लोर मैटिंग भी दिखा देता हूँ मैं आपको, चेक करा देता हूँ। ये होने वाली इसकी फ्लोर मैटिंग, ये देखिए इसकी होने वाली फ्लोर मैटिंग, जो पूरी गाड़ी के जैसे हम कोल्ड ड्रिंक कुछ गिर जाती है गाड़ी के नीचे तो डस्ट वस्ट साफ करने के लिए सेफ होता है, इसलिए लगाई जाती है फ्लोरिंग। और अभी स्टेयरिंग कवर का भी काम हुआ और सिस्टम का भी काम हुआ, जैसे बेस ट्यूब और एम मतलब ओरिजिनल में ही चलाया गया है, वो भी चेक करा दूंगा मैं आपको NCS प्ले करके। अभी चलते हैं और पीछे ओवल स्पीकर भी लगाए गए हैं, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। चलते हैं पीछे की साइड में, पीछे की साइड चेक करते हैं क्या काम हुआ है। जैसे कि हम पीछे वाली साइड आ गए हैं, पीछे वाली साइड के नीचे मतलब इसका एम्प लगा हुआ है, देख लीजिए इधर से दिख रहा होगा आपको एम्प, एम्प की फिटिंग है इधर सीट के नीचे आती है एम्प की फिटिंग। और ये आता है पूरा पूरा फ्लोरिंग, ये देखिए फ्लोरिंग होने वाली है उसके, होने वाले हैं जस्ट सीट कवर, देख लीजिए कितने मस्त डिजाइन वाले, थोड़ा अपग्रेड सा लुक लगता है ये गाड़ी के अंदर देखने के अंदर। और पीछे ही हमारे ओवल स्पीकर होने वाले, देख लीजिए ये हमारे ओवल JBL के स्पीकर होने वाले। और ये देखिए ये पूरी गाड़ी में काम होने वाला है। अभी चलते हैं ड्राइवर सीट में, अभी भैया थोड़ा यूज़ कर रहे थे इसलिए नहीं बैठ पाए उससे, अभी चलते हैं ड्राइवर सीट भी देखते हैं और स्टेयरिंग कवर भी देखते हैं। स्टेयरिंग कवर भी दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे कि ये होने वाला था पूरी गाड़ी का इस बैक साइड का लुक, बैक साइड का लुक तो हो गया। अब फ्लोरिंग में दिखा देता हूँ, फ्लोरिंग के भी फिटिंग, ये होनी थी फ्लोरिंग की फिटिंग। अब चलते हैं ड्राइवर सीट की फ्लोरिंग देखते हैं, सीट कवर देखते हैं और स्टेयरिंग कवर देखते हैं, फिर साउंड सिस्टम सुनते हैं, फिर चलते हैं आगे का चीज पे, मतलब आगे की चीज तो कुछ होगी देखते हैं अभी तक तो। जैसे कि ये होने वाला है इसका पीछे वाला, मतलब राइट साइड वाला आईपॉप डोर गार्ड होने वाला है, उसके ऊपर होने वाले जस्ट डोर वाइजर, देख लीजिए होने वाले इसके डोर वाइजर्स। और सी के नीचे होने वाला ये हमारा आईपॉप डोर गार्ड। और आपको ड्राइवर सीट नहीं दिखाई दे, ड्राइवर सीट भी दिखा देता हूँ, ड्राइवर सीट की फिटिंग, ये होने वाली ड्राइवर सीट की फिटिंग। और ये ड्राइवर सीट की फ्लोरिंग होने वाली है, वो दिखा देता हूँ, ये ड्राइवर सीट की फ्लोरिंग होने वाली है। उसी के ऊपर होने वाला है ये जस्ट स्टेयरिंग कवर, ये देखिए स्टेयरिंग कवर होने वाला है, स्टेयरिंग कवर भी OEM स्टाइल वाला होने वाला है, जैसे ओरिजिनल फिटमेंट में होने वाला है। और ये होने वाला है इसका आर्मरेस्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले लुक दिखाया था, अब इसका फिटिंग होने के बाद ये लुक आने वाला है इसका। ये देखिए इतना स्पेस होता है इसके अंदर और ये ऐसे पैक हो जाता है, जिसके आप ऊपर हाथ रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे चीज है ये। और जब आपको निकालना हो निकल भी जाता है, ऐसे निकाल के आप रख भी सकते हैं इसको, आपको यूज़ नहीं करना तो इसको। अभी फिर स्टेयरिंग कवर ये सब हो गया, उसका चलते हैं म्यूजिक सुनते हैं, म्यूजिक भी काम होता है। अब चलते हैं इसका साउंड सिस्टम सुनते हैं, साउंड में जो काम होता है मतलब बेस ट्यूब का काम होता है और एम्प लगा था और पीछे ओवल स्पीकर लगे थे, तो ओवल और स्पीकर ओरिजिनल में चला के देखते हैं कैसा साउंड आता है, कैसा प्रोसेस आता है, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, मतलब BT मैच नहीं हो रहा इसलिए वॉइस नहीं सुन पाएंगे। ऐसे आपको बेस ट्यूब दिखा देता हूँ मैं, पर इसमें ओवल लगे हुए हैं, ओवल के नीचे बेस ट्यूब है इसलिए नहीं दिखा पाया वो भी, और नीचे एम तो आपको दिखाई दिया है।
अभी इस पे दिखा देता हूँ, एक मैट लग रहा है, मैट लगने के बाद दिखा देता हूँ आफ्टर लुक कैसा लगती है गाड़ी। चलिए अभी चलते हैं। गाइस मुझे पता नहीं था कि भैया का ब्लूटूथ मैच है, तो ये चीज मेरे को याद नहीं थी। अब मैं भैया के फोन से ही गाने प्ले करता हूँ। जीमेल का फिशिंग लगा दिए। चलिए अब सुनते हैं बेस ट्यूब। बेस ट्यूब मतलब जेबीएल के लगी है 1300 वॉट, और जो स्पीकर लगे हैं वो भी जेबीएल के लगे हैं, और एम्प लगा था, और साउंड सुनते हैं इसका। ये अंतल है एनसीएस प्ले होने वाला था अपना। चलिए अब चलते हैं गाड़ी में, मतलब ऑलमोस्ट काम पूरा चेक कराई दिया मैंने आपको, अब गाड़ी का काम खत्म। चलते हैं, बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे।